तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बासेफ इंडिया लिमिटेड, इसको BASF इंडिया भी बोलते हैं। केमिकल सेक्टर की ये कंपनी है और आप देख रहे हैं कि इसमें लगातार अच्छी तेजी नजर आ रही है और आज तो इसमें 20% का अपर सर्किट देखने को मिला है, जिसके साथ ही ये कंपनी अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड करने लगी है। तो अगर हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को देखते हैं तो आप जितना भी पीछे जाएंगे आपको इसमें देखने को मिलेगा कि एक तेजी इसमें लगातार बनी रहती है एक रिदम में, और इसी के साथ ही अपने लाइफ टाइम हाई पर भी ट्रेड करने लगा है। तो दोस्तों इसके चार्ट की आगे की एनालिसिस करने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का नाम है बासेफ इंडिया लिमिटेड, 6933 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में आज इसने 20% से ज्यादा की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 30046 करोड़ का, स्टॉक P45 का है, ROC की वैल्यू काफी शानदार है 25% एंड ROE भी 19% का है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 2421 का लो था और 6933 का इसने हाई लगाया है। तो दोस्तों आपको इस कंपनी के बारे में बता दूं तो ये कंपनी बासेफ इंडिया ये लगभग 6 सेगमेंट में काम करती है, जिसमें आपका एग्रीकल्चर हो गया, मटेरियल्स, इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, सरफेस टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन एंड केयर एंड केमिकल्स। तो आप पिछले एक साल के अगर इसके चार्ट को देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एक रिदमेटिक तेजी इसमें बराबर बनी रही, यानी कि न बहुत जल्दी इसने अचानक से रफ्तार बनाया और न ही बहुत स्लो जा रहा था, यानी कि एक कंसिस्टेंटली इसमें ग्रोथ नजर आ रही है। तो अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं तो अच्छी बात है कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है और पिछले 5 सालों में इसका जो CAGR है प्रॉफिट ग्रोथ वो 79.6% की रेट से बढ़ा है, यानी कि बहुत ही बेहतरीन है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करते हैं तो इसका स्टॉक अभी 9x बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, जो कि ओवर वैल्यूड हो गया है। तो अगर हम बासेफ इंडिया के पीयर कंपैरिजन करते हैं तो केमिकल सेक्टर में ये काम करती है, जिसमें आपका पिडिलाइट इंडस्ट्रीज हो गया, SRF, लिंडे इंडिया, दीपक नाइट्राइट, गुजरात फ्लोरो केमिकल्स जैसी और भी शानदार कंपनियां हैं, साथ ही साथ बासेफ इंडिया भी इसमें काम करता है। तो अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो जून 2021 में 3013 करोड़ का था, जून 2022 में 3888 करोड़, जून 2023 में 3375 करोड़ और जून 2024 में 3967 करोड़ का रहा। साथ ही नेट प्रॉफिट की बात करें, जून 2022 में 197 करोड़ का प्रॉफिट, जून 2023 में 113 करोड़ का प्रॉफिट और जून 2024 में 221 करोड़ का प्रॉफिट है। दोस्तों इसका जो अपकमिंग रिजल्ट है वो आज ही आया था और ये रिजल्ट वाली तेजी है, रिजल्ट की वजह से इसमें 20% का अपर सर्किट लगा। तो अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 3941 करोड़ का था, मार्च 2017 में 5073 करोड़, मार्च 2021 में 9558 करोड़ और अभी करंट में बात करें तो कुल 14360 करोड़ का रहा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 114 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में -14 करोड़, मार्च 2021 में 553 करोड़ का बंपर प्रॉफिट और अभी करंट में बात करें तो कुल 671 करोड़ का शानदार तेजी नजर आ रहा है। दोस्तों अगर हम इसके स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने 24% की रेट से, पिछले 5 सालों में 46% की रेट से, पिछले 3 सालों में 27% की रेट से और पिछले 1 साल में 167% का बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। तो अगर हम इसके बोरोइंग्स की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 370 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 1275 करोड़, मार्च 2021 में घटकर 286 करोड़ हो गया और अभी बात करें मार्च 2024 में तो सिर्फ और सिर्फ 156 करोड़ का लोन और रह गया है, यानी कि इस कंपनी ने काफी तेजी से अपना डेब्ट कम किया है। और साथ ही साथ इसके अगर हम टोटल एसेट की बात करते हैं तो उसमें भी जहां मार्च 2013 में 2806 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 3875 करोड़, मार्च 2021 में 5144 करोड़ और मार्च 2024 में 7233 करोड़ का एसेट है, जिसकी तुलना में जो ये लोन है ये बस नाम मात्र का है। तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहाँ सितंबर 2021 में 73.33% थी, वो जून 2024 में भी 73.33% ही है, यानी कि सेम है। FIIs की होल्डिंग 2.22% से बढ़कर 4.35% हो गई है, DIIs की होल्डिंग 6.63% से घटकर 5.97% एंड पब्लिक की होल्डिंग भी 17.82% से घटकर 16.34% पे आ गई है। तो दोस्तों अगर हम बासेफ इंडिया के फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 12 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 3 निगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि कंपनी की जो लायबिलिटीज है वहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है, अदर इनकम इनकी अच्छी आ रही है, कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, डिप्रिसिएशन का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है प्रॉफिट पर, रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वहाँ भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, रेवेन्यू इनका लगातार अच्छा काम कर रहा है, ROE पिछले 10 सालों से अब अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, शेयर प्राइस भी
काफी अच्छी रफ्तार से बढ़ रहा है। वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है। कंपनी का जो डेब्ट है वो मैनेजेबल है। सेल्स ग्रोथ इनकी काफी तेजी से बढ़ रहा है और आरओसी में जो स्ट्रेंथ है वो भी काफी मजबूत नजर आ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इसमें चिंता करने की ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही है। तो दोस्तों अगर हम बासेफ इंडिया के रेवेन्यू की बात करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है न्यूट्रिशन एंड केयर अराउंड 17%, मटेरियल्स 33%, इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस 16.3%, केमिकल्स 14.2%, एग्रीकल्चर सॉल्यूशन 13% एंड सर्फेस टेक्नोलॉजी 4.9% का है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो इंडिया से अराउंड 97.8% का बिजनेस होता है, बाकी का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर सॉल्यूशंस वाले बिजनेस से सबसे ज्यादा प्रॉफिट आता है, उसके बाद इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस है, फिर मटेरियल से। तो दोस्तों हम लोग वापस इसके चार्ट पर आ चुके हैं और आप इसका चार्ट पहले देख ही चुके हैं कि ये लगातार अप ट्रेंड में है और इन दिनों इसमें जो तेजी है वो बंपर तेजी नजर आई है। और आज तो इसका अर्निंग्स भी था तो यहाँ से निकलने के बाद इसका जो सबसे करीबी टारगेट नजर आ रहा है वो 7600 का लेवल नजर आ रहा है। यहाँ तक अभी ये मोमेंटम और जा सकता है, उसके बाद यहाँ पर अगर प्राइस एक्शन बनाता है फिर से ओवर ऊपर निकलता है तो जल्द ही 8800 का लेवल भी ट्रेड करता नजर आएगा। तो दोस्तों इस लेवल पर कोई क्लियर एंट्री नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपने ये स्टॉक पहले से ही होल्ड किया है तो बेचने की जल्दबाजी मत कीजिए। इस स्टॉक में अभी पोटेंशियल है कि ये और भी ऊपर जा सकता है। और वैसे भी दोस्तों ये स्टॉक तो पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, तो आप चाहे तो इसको अपने पोर्टफोलियो का भी हिस्सा बना सकते हैं। तो इस वीडियो की एनालिसिस कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।